हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन लोग क्लासेस पे। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो आप लोग लाइफ में डेली यूज करते हैं। जैसे मुझे जाने दो, मुझे मुझे क्रिकेट खेलने दो, मुझे क्रिकेट मत खेलने दो, उसे बाहर मत जाने दो, उसे क्रिकेट खेलने दो। यानी हम लोग ऐसा संदेश बोलते हैं, जैसे मुझे किताब दो, मुझे तुम्हारा किताब दो, यानी ऐसे संदेश हम लोग बोलते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं, इसका क्या है रूल है, रूल नहीं है। देखिए इसका हम लेट और डी से इसको बनाते हैं। दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब होता है देना, किसको होता है देना, क्या होता है दोनों का क्या होता है देना, देना होगा। अब देखिए आई लेट का यूज हम कहाँ करते हैं और गिव का यूज कहाँ करते हैं। वो लेट का यूज हम करते हैं टू अलाउ को पढ़ते हैं, टू अलाउ अलाउ और क्या टू पढ़ने, यानी इसका यूज हम कहाँ करते हैं करने देना, क्या है करने देना के सेंस में, करने दो या करने देना, करने दो, ठीक है करने दो के सेंस में करते हैं। क्या है टू अलाउ या टू करने, यानी उसे क्रिकेट खेलने दो, उसे उसे पढ़ने दो, तो ऐसा करते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस सॉरी लेट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डी वन प्लस अदर वन। हमको क्या करना है इसमें डी वन का यूज करना है, क्योंकि जब हमको बोला तो कैसे बोलेंगे उसे क्रिकेट खेलने दो, क्या होता है इसमें हमेशा क्या होता है डी वन का यूज करना है। उसे क्रिकेट खेलने दो क्या होगा, क्या खेलना क्या होता है, तो जीवन का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए लेट हिम गो, लेट हिम गो का मतलब क्या है उसे उसे जाने दो। और देखिए और देखे देख लीजिए लेट हिम गो मुझे जाने दो, बताओ जाते हैं लेट हिम कम उसे आने दो। हम लोग ऐसे बोलते हैं जिसके रूप में करने दो के सेंस में इसका यूज होता है, जिसके रूप में करने दो के सेंस में इसका अर्थ निकाला। जैसे उसे क्रिकेट खेलने दो, लेट हिम प्ले क्रिकेट, उसे बाहर मत जाने दो, उसे बाहर मत जाने दो, एंड डोंट लेट हिम गो आउट, ठीक है। जैसे आपको बोला उसे बाहर मत जाने दो, क्या होगा डोंट, डोंट लेट हिम गो आउट हो गया, उसे बाहर मत जाने हो गया, यानी आपको ऐसे बोलना है। अब देखिए गिव का यूज कहाँ करते हैं, देखिए क्या है गिव, इसका आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अब देखिए क्या है गिव, यानी गिव का इसमें कहाँ करते हैं नाम के लिए, दोनों का सेंस क्या है, दोनों का सेंस ऐसे निकलता है देने के सेंस निकाल के, इसका यूज अलग है इसका यूज अलग है। इसका यूज हम कहाँ करते हैं वर्ब के लिए, ठीक है। जैसे उसे मत जान, उसे बाहर मत जाने दो, उसे क्रिकेट खेलने दो, उसे पढ़ने दो, लेट हिम रीड, लेट हिम गो, लेट हिम डोंट, डोंट लेट हिम रीड, उसे उसे मत पढ़ने दो, उसे मत खेलने दो, हम लोग ऐसे बनाते हैं। अब देखिए गिव का यूज हम कहाँ करते हैं, इसका यूज गिव का, इसका है गिव का, इसका गिव का देखिए गिव, गिव का मतलब क्या है देना है, इसका सेंस सेंस क्या निकलता है देना का, देना हो गया। अब देखिए क्या है यानी देना, जैसे आपको आपको क्या देना है, आपको क्या देना है, आपको क्या देना होगा, मुझे मत जाने दो, इसमें क्या उसमें कुछ जाने, इसमें आपको बोलना होगा मुझे मुझे किताब दो, क्या है इसमें नाम का होता है। गिव में क्या होता है हम इसको यानी नल लिमिट का यूज करते हैं, इसका नल लिमिट का, नॉन लिमिटिंग हम करते हैं। जैसे मुझे किताब दो, मुझे कॉफी दो, मुझे बैट दो, मुझे बाहर मुझे कॉफी कोई मत दो, ऐसे बनाते हैं। इसमें आपको बोलना होगा गिव, गिव प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्टिव कैसे यूज करना है, ही का हिम आई का मी, ही का हिम सी का हर, कैसे आपको प्लस नाम का यूज करना, किसका नाम का प्लस अदर वर्ड हो गया। जैसे आपको बोलना है मान लीजिए गिव हिम अ कॉफी, बोले इसका इसका मतलब क्या क्या निकलेगा,
मुझे मुझे एक कॉपी दो, निकलेगा ना क्या है इसका, हम लोग इसको हम लेस नहीं बनाए क्योंकि इसको हम लेस नहीं बनाए क्योंकि इसका कहा होता है अलाउ करिए, किसको अलाउ करिए, जैसे हमको बोलना है अलाउ यहाँ पर थोड़ी हो रहा है, यहाँ पर मुझे किताब यहाँ पर हम कोई से अलाउ कर रहे नहीं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम कोई से बात कर रहे हैं, ठीक है। लेट ही बाबू मुझे उसे एक कॉपी दो, उसे बोलना है आपको गिव हिज फादर न्यू वॉच, गिव हिज फादर न्यू वॉच, यानी उसके पापा को एक नया घड़ी दो, और न्यू वॉच भैया उसके पापा को एक नया घड़ी दो, ऐसा आपको बोलना है, बोलना है आपको गिव 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 मी और बैट, मुझे एक बैट दो, हो गया समझ गए। तो आप लोग ऐसे आप लोग रोज आप लोग ऐसे संदेश बोलते होंगे, बाहर जाते होंगे ए मुझे मुझे मेरा बैट दो, मुझे मेरा कॉपी दो, आप लोग ऐसे बोलते होंगे, तो आपको ऐसे ही संदेश में आपको रोज बोलना है, तो ऐसे संदेश डेली लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। ओके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐसा ही वीडियो हम रोज आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। ओके।